बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। संभागीय खाद्य नियंत्रक मेरठ संभाग मेरठ कार्यालय आज जंग का मैदान बन गया। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर आरएफसी का जमकर घेराव किया। उन्होंने खुलकर आरोप लगाए कि आरएफसी कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। बिना मोटा पैसा लिए और दिए यहाँ कोई काम नहीं होता। उनका कहना था कि जिस ठेकेदार राजीव कुमार ने विभागीय कर्मचारी को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, उसे विभाग ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसे कोर्ट ने भी राहत नहीं दी, लेकिन आरएफसी ने 8 लाख रुपए लेकर न सिर्फ उसे बहाल कर दिया बल्कि धर्मेंद्र नामक अन्य ठेकेदार का ठेका निरस्त कर ठेकेदार राजीव कुमार को भी दे दिया। हालत बिगड़ने पर वहां पुलिस बुला ली गई। संभागीय खाद्य नियंत्रक एके पांडे को जमीन पर भी बैठाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस के चलते ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल राजीव कुमार सिंह ठेकेदार की एमआई मनोज कुमार से विवाद हो गया था। लोड वाहन जब तुलवाया गया तो उसमें अनाज कम था। राजीव पूरा वजन लिखवाना चाहता था जबकि मनोज जितना था उतना। इस पर राजीव ने मनोज को वह सब कहा जो यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। शिकायत हुई, जांच हुई और फिर राजीव की कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए ठेका निरस्त कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन भानु का कहना है कि राजीव कोर्ट गया लेकिन कोई राहत नहीं मिली, लेकिन आरएफसी ने मोटी रिश्वत लेकर न सिर्फ उसे बहाल कर दिया बल्कि धर्मेंद्र का ठेका निरस्त कर उसे सौंप दिया। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह। भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं भानु प्रताप सिंह। हमने 14 में भी भाजपा को समर्थन दिया माननीय नरेंद्र मोदी को, फिर 19 में भी दिया और दिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आज ईमानदारी से शासन चला रहे हैं और वो कहते हैं कि जो जो पदाधिकारी या जो हमारा अधिकारी भ्रष्ट होगा उसको हम रहने नहीं देंगे। तो हमने देखा है, हमने सुना है अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, लोगों के द्वारा। हमारा कार्यालय मान मंदिर बरसाना मथुरा पे है, वहीं ज़्यादातर हमारा निवास रहता है। ब्रज के वृक्ष संत रमेश बाबा हमारे संरक्षक हैं। तो हम जो संत करते हैं उस हिसाब से चल रहे हैं। हम कहीं बेईमानी पसंद नहीं करते, न करते हैं, न करने देंगे। तो ये पांडे जी जो हैं, पांडे क्या नाम है इनका, ए के पांडे, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसा हमें हमारे कार्यकर्ताओं ने बुलाया है कि ये अनियमितता कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं और दाम ले लेकर, पैसा ले लेकर ठेका दे रहे हैं। हमें मालूम पड़ी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। पूरी छानबीन करेंगे, आपको बताएंगे। और भ्रष्टाचार तुम्हें किसने बताया कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमें तो यहीं बुलंदशहर के लोगों ने, धर्मेंद्र हैं ये, इन्होंने बताया और लोगों ने भी बताया और ये पता चला है कि ये भ्रष्ट हैं और पैसे लेकर तमाम गलत काम करते हैं। इनकी शिकायत हमने कल, परसों, तरसों, जो 2 दिन पहले माननीय कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से भी की थी और माननीय एक और मंत्री हैं ललितपुर के, उनसे की थी। कई मंत्रियों से भी हम लखनऊ जाके कह चुके हैं। उन्होंने कहा था आप वहाँ जाना और प्रेस वालों को बताना, सबको बताना, केवल ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनका केवल चिट्ठा खुल जाए। चुप चुप न लेते रहें रुपया, चुप चुप ही न लेते रहें। ठेका किस बात का दिया था इन्होंने? ठेका हैंडलिंग परिवहन, हैंडलिंग परिवहन जो होता है, मतलब जो खाद्य रसद विभाग का, उसका ठेका देते हैं ये ठेकेदारों को। ठेकेदारों से पैसा लेकर तब ठेका देते हैं। कितने पैसे लेते हैं उन्होंने, कुछ आइडिया है? आइडिया हम तो ये बताएं 8-10 लाख रुपया लेते हैं कम से कम। थोड़े बहुत में तो कुछ होता ही नहीं, गुजर नहीं होती। थोड़े बहुत तो किसंटा की होती है। पूरे देश में किसंटा मर रहा था, भूखा डोल रहा था, रोटी कोई नहीं दे रहा था, सर पे बोझा रखा था, बीमार हो रहा था, रेल से कट रहा था, रेल में मर रहा था। रेल में ही ये जो घूम रहे थे वो हम किसानों के बच्चे थे जिनके साथ अन्याय हुआ है 72 साल में, और वो हमारी खेती में पार नहीं पड़ती तो हमारे लड़के घूम रहे थे वहाँ। और ये जो मजदूर ने कहते हैं, जो मजदूर ओरिजिनल मजदूर होता है वो गांव में रहता है और घूरा डालता है, खाद डालता है। ये तो हमें शर्म बचाने के लिए हमें लोगों को, किसानों को भेजने पड़ते हैं। महाराष्ट्र जाओ, बम्बई जाओ, वहाँ गुजरात जाओ और वहाँ दिल्ली जाओ और वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। ये हालत किसानों की बना रखी है ऐसे भ्रष्टों ने। इस बारे में संभागीय खाद्य नियंत्रक ए के पांडे ने भी मीडिया से बात की। आइए देखते हैं।
नहीं, जब ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित हुआ तो ठेकेदार ने टेंडर अपलोड किया और उस समय उनके खिलाफ FIR हो गई थी। विभाग को जानकारी हुई जब टेंडर अवार्ड हो गया और काम चलने लगा तब, और उसमें उन्होंने अपना एफिडेविट भी दिया हुआ है जिस समय टेंडर अपलोड किया उस समय, कि हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं है। यदि कोई इसमें कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो टेंडर मेरा कभी भी निरस्त किया जा सकता है। जब शिकायत प्राप्त हुई तो इसकी जांच कराई गई और ये पाया गया कि इनके खिलाफ FIR हुई है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तब कार्रवाई की गई। राजीव कुमार एंड कंपनी भी ब्लैकलिस्टेड? राजीव कुमार एंड कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी। जब शिकायतकर्ता जिसने FIR कराई थी उन दोनों के बीच आपसी सुलहनामा हुआ, और जब पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के यहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आई, जब कागज़ ठेकेदार ने हमें प्रस्तुत किया उसको हमने देखा, इसके बाद हमने उनका निरस्तीकरण समाप्त किया। ठेका किस पद्धति से दिया गया, क्या आउट ऑफ टर्न कुछ ठेका दिया गया? ठेका जो हम लोगों ने दिया था वो जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन हम लोगों ने इनवाइट किया था, उस समय ये टेंडर हुआ था। इसके अलावा क्या आपको लगता है गलत तथ्यों के आधार पर ये लोग दबाव बनाने की कोशिश? अब जिसका ठेका अभी निरस्त हुआ है उसके विषय में इन लोगों को क्या जानकारी है ये तो यही बताएंगे। फिलहाल ये कह रहे हैं कि आपने गलत निरस्त किया, जबकि हमने तथ्यों के आधार पर हम लोगों ने नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई की। अब जांच तो हम फिर दिखवा लेंगे पत्रावली, कहीं हमारी कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। त्रुटि नहीं हुई है फिर भी हम इसे दिखवा लेंगे। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।